सैंडी टॉक्स कैनेडा में ना उन्होंने ना एक अपने घर के खर्चे दिखाए हैं सारे, आप उनको वीडियो देखिए, काफ़ी अच्छा वीडियो है। उन्होंने अच्छे तरीके से बनाया हुआ है कि मॉर्गेज पेमेंट इतनी है, ये इंश्योरेंस है, ये है, ये वो है ना। उन्होंने ना भी घर के ना और कई खर्चे वो भूल गए हैं, यही है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम जो मैं खर्चे बताने वाला हूँ। अरे मेरे भाई, उन्होंने लगाए हैं जैसे कि सॉल्ट का मंथली एक्सपेंस है, ये सोफा वाटर सॉफ्टनर का एक्सपेंस है, ये राइट, ठीक है ना, राइट। मैं अब आपको बता दूं एक और एक्सपेंस जो बिल्कुल ही भूल गए वो, ठीक है। सैंडी जी, आप भी मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं 25 साल से अमेरिका रह रहा हूँ और 12 साल से मेरे पास घर है, यानी 11 साल से मेरे पास घर है। एंड ठीक है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, कुछ खर्चे बताता हूँ जो आपने सुने नहीं, आप लोगों ने किसी ने भी नहीं ध्यान दिया। इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, ऑफ एनीथिंग, कोई भी रूफ की रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी आपको, वाटर टैंक की करनी पड़ेगी, सफेदियाँ करवानी पड़ेंगी आपको, और कोई चीज़ लगा लो आपके घर में लगी है, कोई हो सकता है चूल्हा खराब हो जाए, हो सकता है कुछ और खराब हो जाए, हो सकता है कुछ भी चीज़ आपकी खराब हो सकती है, राइट। वो वॉशिंग मशीन ड्रायर्स हैं, वॉशर ड्रायर हैं, एसी यूनिट, आपने एचवीएसी यूनिट दिखाया था ना, एचवीएसी यूनिट आपने वो 3000 का सॉल्ट क्लेंजर दिखाया था ना, उसकी लाइफ कितनी है, 10 साल की होगी या 15 साल की होगी। आप क्या करो, सारी ऐसी चीज़ें निकालो और देखो कि क्योंकि रूफ जैसे 20-25 साल रहती है, आप उसको 30 साल गिन सकते हो, ठीक है, ठीक है, चलो कितने साल के देखो जरा कि 20 साल है तो 25 साल गिनो, ठीक है ना। अब हर चीज़ को 25 साल के निकालो, जैसे 25 साल में फिर एचवीएसी यूनिट 2 बार या 1.5 बार होगा, राइट, तो आपको पता चलेगा कि टोटल कॉस्ट इतनी है 25 साल की रहने की, और उसको डिवाइड कर दो 25 साल से, आपको देखा आपकी साल की कॉस्ट काफी तगड़ी है, वो बहुत तगड़ी कॉस्ट है, वो बहुत तगड़ी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स बहुत ज्यादा तगड़ी है, ठीक है ना, राइट। तो ये जो कॉस्ट है सारे लोग भूल जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपने एचओए पता नहीं लगाई है कि नहीं लगाई है, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। उसके अलावा आपने जो जनरली रनिंग एक्सपेंसेस, आपने इंश्योरेंस लगाई थी शायद घर की, पर क्या आपने फ्लड इंश्योरेंस लगाई थी, आपके यहाँ फ्लड इंश्योरेंस है, कहीं कहीं जगहों पर फ्लड इंश्योरेंस होती है, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या नाम है, एचओए फीस, मैंने ऑलरेडी बता दिया एचओए फीस, अगर मैं नहीं बोलता दोबारा बोल देता, एचओए फीस है ना, होम ओनर्स एसोसिएशन फीस, होम ओनर्स जो भी आपकी कम्युनिटी है उसकी फीस, कई जगहों पे एक एक्स्ट्रा काउंटी टैक्स लगता है, यहाँ पे उसको मेलो रूस बोलते हैं हमारे यहाँ सैक्रामेंटो में, आपके यहाँ क्या बोलते हैं देखो, आपको लगता हो एक्स्ट्रा, यू नेवर नो, राइट। उसके अलावा गार्डनिंग करने की फीस, गार्डनर, पूल वाले का खर्चा, ठीक है ना, क्लीनिंग का खर्चा, जो शायद आप नहीं करते होंगे, आपने नहीं गिना तो शायद आप नहीं करते होंगे, धीरे धीरे जरूरत पड़ जाती है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कॉस्ट है कि देखो, जो मर्जी कह लो, घर को फर्निश करना एक घर एक अच्छा लगता है, खुशी भी होती है, इनफैक्ट आपका घर देख के मुझे भी बड़ी खुशी हो रही थी, मुझे अपना सबसे पहला घर याद आ गया, लेकिन उसको फर्निश करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, सोफे, ये वो, बेड, ये वो, सब कुछ करना, पर्दे शर्दे, सारा फर्नीचर, ये वो, सब बड़ा कॉस्टली काम है यहाँ पे, ठीक है ना। आपने वो कॉस्ट बताई नहीं लोगों को, वो भी बता दो ताकि लोगों को पता चले कि भाई, क्योंकि घर खाली थोड़ी होगा, उसमें अच्छा सामान रखोगे आप, फर्नीचर वगैरह ब्रांड न्यू लेके आओगे, सब कुछ करोगे, उसको फर्निश करने का बड़ा कॉस्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे खर्चे आपने मेरे ख्याल से मिस कर दिए, मैं कहा चलो मैं अपनी तरफ से बता दूं, कोई और खर्चा आता तो डेफिनेटली लेट यू नो, ठीक है। सो दिस इज अ रिएक्शन टू सैंडी टॉक्स कैनेडा, जो उन्होंने घर के वाला वीडियो बनाया है, थैंक यू जी।